नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मदेशिया। बिजनौर में जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए नामांकन कक्षों का किया गया तथा विधानसभा व निरीक्षण। नामांकन के दौरान सभी औपचारिकताएं आयोग के निर्देशों के अनुपालन में कराने के लिए आरओ को दिए निर्देश। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा आज निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन कक्षों का विधान सभावार विस्तृत निरीक्षण किया गया। उमेश मिश्रा ने निर्वाचन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालन कराने के लिए विधानसभा नूरपुर, नजीबाबाद, बढ़ापुर, नगीना सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्थापित नामांकन कक्षों का निरीक्षण करते हुए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिए कि नामांकन के दौरान सभी मानकों को पूर्ण कराए और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अन्य कार्यवाही पूरी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ केवल 2 व्यक्तियों का प्रवेश ही होना है, अन्य किसी व्यक्तियों को भी प्रवेश करने की इजाजत न की जाए तथा प्रत्याशी द्वारा नामांकन कराए जाने के दौरान सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी की जाए। लोकतंत्र को या लोकतंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह सभी नागरिकों का जो मतदान करने का जिनको अधिकार है, जो मतदाता के रूप में दर्ज है मतदाता सूची में, उनको 100% मतदान सुनिश्चित कराना आज इस मतदाता दिवस का हमारा पहला लक्ष्य है। मतदान स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और एक अच्छे माहौल में हो। हर नागरिक यह महसूस करे कि लोकतंत्र का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस हिस्से में जो उसकी जिम्मेदारी, जो उसका कर्तव्य है, वह उसका बखूबी निर्वहन करने के लिए उद्यत है। इस बात के लिए हम सभी को तैयार करना पड़ेगा। समाज के सभी व्यक्तियों को एक ये फीलिंग लानी पड़ेगी कि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में उसका जो भी योगदान है, जो भी उसका कर्तव्य है, वह उसको पूरी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ करने के लिए तैयार है। इसी भाव से कि हम लोग बिजनौर में 100% मतदान सुनिश्चित करेंगे, प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान करने का रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। इसके लिए आज से हम लोग एक अभियान चलाएंगे अपने शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, कि सबको हम लोग इस बात के लिए एक प्लेटफार्म पे ला करके 14 तारीख तक खड़ा कर देंगे कि सभी मतदान करने के लिए अपने घर से अवश्य निकलेंगे और स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से मतदान करेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार हैं?